हमने स्टार्ट किया था आपका स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, किस लिए यूज करते हैं, तो हमने कल पढ़ा था आपके दो स्टोरेज डिवाइस, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो हमने मेमोरी के दो पार्ट पढ़े थे कल, नंबर वन इज प्राइमरी मेमोरी, नंबर टू इज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमें दो पार्ट मिलते हैं, यानी कि दो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, नंबर वन इज रैम, नंबर टू इज रोम, ठीक है। तो देखिए अब आज हम स्टार्ट करते हैं रैम से, क्या क्या होती है। पहला हम स्टार्ट करेंगे रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहते हैं हम रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए रैम क्या होती है, अब पहला है हमारा इट इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, क्या है ये, प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है, ठीक है। दूसरा विच कैन बी एक्सेस डेटा रैंडमली, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि ये एक प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। क्या करता है, डेटा को रैंडम तरीके से स्टोर करता है, जैसे कि रैंडम तरीके से का मतलब एक छोड़ एक, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे तो कंटिन्यू होता है, ठीक है, और एक छोड़ एक को हम क्या बोलते हैं, रैंडम, समझ गए। अब देखिए इन दिस मेमोरी डेटा कैन रीड एंड राइट फ्रॉम एनी लोकेशन। देखिए क्या कह रहा है ये कि यह मेमोरी किसी भी डेटा को रीड करती है और राइट करती है, चाहे वो डेटा किसी भी जगह पर हो, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी डेटा, ये मेमोरी किसी भी डेटा को रीड करेगी और राइट करेगी, यानी कि उसे पढ़ेगी और उसको लिखेगी, ठीक है, चाहे वो डेटा कहीं पर भी रखा हो, समझ गए। तो इन दो पॉइंट्स को आप नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं बाकी पॉइंट्स के बारे में। हो गया सभी का, देखिए
पॉइंट है हमारा उन्हीं के नीचे है, थर्ड पॉइंट हमारा आएगा इट स्टोर डेटा टेम्पोररी। क्या करता है ये डेटा को टेम्पररी तौर पर, टेम्पररी का मतलब कुछ ही समय के लिए स्टोर करता है, ठीक है, टेम्पररी का मतलब कुछ ही समय के लिए, समझ गए, उसे हम क्या कहते हैं टेम्पररी, ये डेटा को टेम्पररी तौर पर स्टोर करके रखता है। अब देखिए नेक्स्ट है इसका If the system यानी कि कंप्यूटर will be shut down then मेमोरी विल लॉस्ट। देखिए इसका मतलब है अगर हमारा कंप्यूटर किसी वजह से बंद हो जाता है या फिर लाइट चली जाती है तो ये मेमोरी अपने आप ही डिलीट हो जाती है, ठीक है, चाहे तो हम कंप्यूटर को खुद से बंद करें या फिर लाइट चली जाती है इस वजह से बंद हो, तो ये जो मेमोरी है रैम की जो मेमोरी है वो अपने आप डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका रैम के बारे में, आप इनको नोट कीजिए। हो गया सभी का, अब देखिए अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में जिसका नाम है रोम। क्या है रीड ओनली मेमोरी, रोम क्या करती है आपका जो भी काम करते हो उसको सिर्फ रीड करती है। इस कंप्यूटर के अंदर चिप लगी होती है, ठीक है, मोबाइल कंप्यूटर के अंदर चिप लगी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं रोम, ठीक है, और इन्हीं के अंदर आपका डेटा रीड होता है, समझ गए। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं रोम के बारे में, रोम इज ए चिप वेयर इंफॉर्मेशन इज क्या कह रहा है रोम क्या है, एक मैंने अभी बताया आपको एक चिप है जो क्या करती है डेटा को स्टोर करती है, ठीक है, क्या है एक ऐसी चिप जो डेटा को स्टोर करती है उसे क्या कहते हैं हम रोम। देखिए नेक्स्ट है हमारा
एंड कंप्यूटर इज ऑफ डेटा कैन नॉट बी लॉस्ट। देखिए क्या कह रहा है कि अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो हमारा डेटा डिलीट नहीं होगा। देखिए क्या है, व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ, यानी कि कंप्यूटर किसी वजह से बंद हो जाता है या हम बंद कर देते हैं तो हमारा डेटा डिलीट नहीं होगा। रैम के अंदर क्या था आपका, रैम के अंदर जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है रैम डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है, लेकिन इसके अंदर रोम के अंदर डेटा डिलीट नहीं होता, ठीक है। तो नोट कीजिए आप इसको, हो गया सभी का। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है वो देखिए, इंफॉर्मेशन या डेटा, आप इंफॉर्मेशन लिखो इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ओनली once on these kind of chip, देखिए क्या कह रहा है ये, information या जो आपका जो डेटा है वो एक ही बार लिखा जाता है किसके अंदर, इसके इस चिप के अंदर, यानी कि इस रोम के अंदर जो ये चिप है इसके अंदर आपका डेटा एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये था आज आपके रोम के बारे में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी समझने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए।